स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन इन श्री श्याम स्टडी पॉइंट। और जैसे कि आपको पता है कि टिश्यू हमारा चैप्टर चल रहा है, तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने टिश्यू के अंदर क्या किया था, हम एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पढ़ रहे थे। तो हमने एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पढ़ा, आज हम पढ़ेंगे कि एपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स कौन से होते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम एपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ लेयर्स। नंबर ऑफ लेयर्स के बेस पर एपिथेलियल टिश्यू कितने टाइप का होता है। तो एपिथेलियल टिश्यू, टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, टाइप्स ऑफ एपिथेलियम और एपिथेलियल टिश्यू। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ लेयर्स इन विच एपिथेलियम प्रेजेंट, कि कितनी लेयर है। On the basis of number of layers, on the basis of number of layers, the epithelial tissue are of two types। दो तरह का epithelial tissue होता है, कौन कौन सा, simple epithelium और complex और stratified epithelium। तो simple epithelium क्या होता है, on the basis of नंबर ऑफ लेयर्स, सिंपल एपिथेलियम एंड अनदर वन इज द स्टार्टिफाइड एपिथेलियम, और कंप्लेक्स एपिथेलियम भी इसको बोलते हैं। तो सिंपल एंड स्टार्टिफाइड एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम में क्या होता है, द एपिथेलियम विच इज मेड अप ऑफ अ सिंगल लेयर। अगर एपिथेलियम जो है यानी कि आउटर कवरिंग है इज मेड अप ऑफ ओनली सिंगल लेयर की अगर बनी हुई है, यानी कि एक ही लेयर है सेल की, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, देन इट इज नोन एज सिंपल एपिथेलियम। यानी कि जैसे कि दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन और इसके ऊपर ए सिंगल लेयर ऑफ कंपैक्टली पैक्ड सेल्स है वो प्रेजेंट होती है, एंड दिस लेयर प्रोवाइडिंग द आउटर कवरिंग टू एनी पार्ट, किसी पार्ट को बॉडी के आउटर कवरिंग ये दे रही है। तो दिस टाइप ऑफ टिश्यू इज सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। कॉम्प्लेक्स और स्ट्रैटिफाइड में क्या होता है, इफ द एपिथेलियम ऑफ एनी पार्ट, किसी भी बॉडी पार्ट का जो एपिथेलियम है, एपिथेलियम ऑफ एनी बॉडी पार्ट्स, एनी पार्ट्स और बॉडी पार्ट्स consist of more than one layers of cell, कि एक से ज्यादा layers of cells is called a stratified epithelium। जैसे कि this is the basement membrane, ये basement membrane है, ये यहां पर क्या है, एक सिंगल लेयर ऑफ सेल है, ये तो है सिंपल एपिथेलियम, लेकिन अगर इसको हमने कॉम्प्लेक्स बनाना है तो क्या करेंगे, हम अनदर लेयर इसके ऊपर जोड़ेंगे, तो ये टू लेयर का एपिथेलियम बन गया। दिस इज द एग्जांपल ऑफ स्ट्रैटिफाइड, इट मे बी तीन लेयर का हो सकता है लाइक दिस। तो इस तरह से क्या है, इफ द नंबर ऑफ लेयर्स ऑफ सेल्स इंक्रीजेस, लगातार नंबर ऑफ लेयर ऑफ सेल इंक्रीज हो रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रैटिफाइड, यानी कि एक सेल से, एक लेयर से ज्यादा अगर लेयर के अंदर एपिथेलियम प्रेजेंट है तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। तो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम में क्या होता है, जहां पर एक से ज्यादा लेयर है, और जो सिंपल एपिथेलियम में क्या होता है, अगर सिंगल लेयर, देखो एपिथेलियम मतलब आउटर कवरिंग, आउटर कवरिंग अगर एक ही लेयर से बनी है, एक ही परत है सेल की, किसी बॉडी के चारों ओर या बॉडी पार्ट के चारों ओर एक ही परत वहां पर है सेल की, तो वो सिंपल है। अगर एक से ज्यादा परत है सेल्स की तो वो क्या है, स्ट्रैटिफाइड है। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हमारी आती है, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हमारी होती है ऑफ द एपिथेलियम टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ द शेप ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन दैम, कि किस शेप की सेल्स है वो प्रेजेंट होती है, उस बेस पे हम क्या है एपिथेलियम टिश्यू को भी डिवाइड कर सकते हैं। तो हम फोर काइंड ऑफ एपिथेलियम टिश्यू मेनली इसके अंदर पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर
शेप, शेप के बेसिस पर हमने चार तरह का टिश्यू करना है। तो वेट अ मिनट, ओके। तो वो फोर टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू कौन से होंगे? द सेकेंड क्लासिफिकेशन इज द बेस्ड ऑन, यहां पे पहले हमने पढ़ी थी नंबर ऑफ लेयर्स, की कितनी लेयर ऑफ सेल प्रेजेंट है। अब यहां पे पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ सेल, ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ सेल्स। तो शेप ऑफ सेल्स के बेस पे हमने पढ़ा था कि मेनली फोर टाइप ऑफ होती है, फोर टाइप ऑफ एपिथेलियम होती है। तो पहला क्या था? स्क्वेमस एपिथेलियम। सबसे पहले कौन सा हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर के अंदर? स्क्वेमस एपिथेलियम, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन द बेसिस ऑफ स्क्वेमस एपिथेलियम। दूसरा क्या था? सेकेंड वन हमारे पास क्या था यहां पर? पहला स्क्वेमस था, दूसरा हमारे पास है क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तीसरा क्या था? थर्ड वन इज द कॉलुमनर एपिथेलियम एंड फोर्थ वन इज सिलिएटेड एपिथेलियम। तो ये फोर एपिथेलियम है, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। सिलिएटेड एपिथेलियम, कॉलुमनर एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम एंड स्क्वेमस एपिथेलियम। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद द स्क्वेमस एपिथेलियम। स्क्वेमस एपिथेलियम से शुरू करते हैं। स्क्वेमस एपिथेलियम में क्या होता है? इट इज द टिश्यू विच इज मेड अप ऑफ, द स्क्वेमस एपिथेलियम इज मेड अप ऑफ थिन फ्लैट एंड इररेगुलर शेल, इररेगुलर सेल्स विच इज कंपैक्टली पैक्ड। कि कंपैक्टली पैक्ड होती है, हमने पहले ही पढ़ा है इसको, मैं बार बार नहीं लिखूंगा कंपैक्टली पैक्ड, क्योंकि एपिथेलियल टिश्यू जो होता है, एपिथेलियम के अंदर जो सेल है वो टाइटली पैक्ड ही होती है, हमेशा कंपैक्टली पैक्ड ही होती है। तो यहां पर कैसी सेल है, क्योंकि हम शेप के बेस पे कर रहे हैं, तो थिन फ्लैट एंड इररेगुलर सेल होती है, उसको क्या बोलते हैं हम? स्क्वेमस एपिथेलियम बोलते हैं। अच्छा, हम क्या क्या करेंगे इनके अंदर? इन टिश्यू की शेप हम पढ़ेंगे कि कौन सी सेल्स इनके अंदर होती है और किस लोकेशन पर ये प्रेजेंट होते हैं, कि हमारी बॉडी के कौन से पार्ट्स के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं, वो भी हम करेंगे इनके साथ साथ। तो हम शेप करेंगे और इनकी लोकेशन करेंगे और इनका कोई स्पेसिफिक फंक्शन है, मेन फंक्शन तो हमने पढ़ लिया एपिथेलियम का, वो हम नहीं पढ़ेंगे, वो तो ये करते ही है, मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं या मैकेनिकल प्रोटेक्शन करते हैं या किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नहीं आने देते। उसके अलावा कोई अगर एडिशनल फंक्शन करते हैं तो उनके बारे में हम इनके फंक्शंस पढ़ेंगे। जो कॉमन फंक्शंस है एपिथेलियम के वो हम नहीं पढ़ने वाले, क्योंकि वो हम कर चुके हैं पहले। तो यहां पर क्या है कि ये इसको पेवमेंट मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेवमेंट मेम्ब्रेन। डायग्राम इसका किस तरह से बनाओगे? फ्लैट सेल्स आपने बनानी है। दिस इज द न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म। तो इस तरह की सेल्स यहां पर बन जाती है। इस तरह का एपिथेलियम, ये एपिथेलियल टिश्यू ये होता है फ्लैट सेल्स का, ओके। तो इस तरह की सेल्स यहां पे बनती है, फ्लैट सेल्स होती हैं, एक लेयर बना लेती है फ्लैट सेल बिल्कुल, ठीक है। अब इसके अंदर एक और चीज होती है, स्टार्टिफाइड स्क्वेमस होता है। एक स्टार्टिफाइड स्क्वेमस होता है, वो कहां पर होता है? इसकी लोकेशन पहले हम कर लेते हैं कि कहां पर यह प्रेजेंट होता है। तो इट इज प्रेजेंट इन द लाइनिंग ऑफ कैविटीज, लाइनिंग ऑफ कैविटीज, जैसे बॉडी कैविटीज होती है उनकी लाइनिंग के अंदर ये प्रेजेंट होता है। जैसे कहां पर लाइनिंग ऑफ कैविटीज में ये होता है? ओएसोफेगस की लाइनिंग में, लाइनिंग ऑफ ओएसोफेगस, फूड पाइप जिसको बोलते हैं, माउथ, एल्वियोली, नोज, माउथ, एल्वियोली,
नोज। तो इनके अंदर क्या है, कैविटी का मतलब क्या होता है, फ्री स्पेस यानी कि खाली जगह, जैसे कि ओएसोफेगस है, फूड पाइप है, फूड पाइप इज अ पाइप और पाइप के अंदर होलो स्पेस होता है, ठीक है। नोज, नोज के अंदर क्या है, नोज है उसके अंदर नेजल कैविटी है हमारी, तो नेजल कैविटी के अंदर क्या है, होलो स्पेस है। उसके बाद में माउथ, माउथ के अंदर बकल कैविटी होती है, उसके अंदर होलो स्पेस है। तो ये क्या है, कैविटी वाली एल्वियोली, एल्वियोली लंग्स के अंदर इस तरह से जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स होती हैं, एयर सैक्स जिनको बोलते हैं, तो इनके अंदर खाली स्पेस है। तो यानी कि कैविटी जो होती है वो खाली स्पेस वाली जगह होती है, उनको हम कैविटी बोलते हैं बॉडी के अंदर। तो कैविटी वाली जगह को ये लाइनिंग करेगा, यानी कि जो कैविटी वाले पार्ट्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, जिनके अंदर खाली जगह है, खाली स्पेस है, उनको क्या करेगा, ये कवर करेगा, उनको लाइनिंग देगा। उसके बाद में क्या है, ब्लड वेसल्स के अंदर भी होती है, कहां पे होती है, एक तो लाइनिंग ऑफ कैविटीज देगा, दूसरा ब्लड वेसल्स, तीसरा जो है लाइनिंग ऑफ टंग भी होगा, ठीक है, एंड स्किन भी होगा। तो ये क्या है, स्क्वेमस एपिथेलियम की लोकेशन है। उसके बाद में इसका जो एक और टाइप है स्क्वेमस एपिथेलियम में, इसमें एक और चीज आती है, ये क्यूबॉइडल कॉलमनर हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे कंप्लीट, अभी हम स्क्वेमस को डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो स्क्वेमस में क्या है, एक और टिश्यू होता है स्टार्टिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। देखो स्क्वेमस एपिथेलियम इज ए सिंगल लेयर, ये जितने भी हम एपिथेलियम पढ़ रहे हैं वो सारे के सारे क्या है, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स है, ठीक है। तो यहां पर एक और आता है स्टार्टिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, जिसके अंदर क्या होता है, इट इज मेड अप ऑफ मेनी लेयर्स, इट इज मेड अप ऑफ मेनी लेयर्स, बहुत सारी लेयर्स का बना होता है, एंड द सेल्स ऑफ द लेयर। अब स्क्वेमस एपिथेलियम है, इसका स्टार्टिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम है, इसका मतलब ये नहीं कि इसके अंदर सारी की सारी सेल है वो फ्लैट है, यानी कि स्क्वेमस सेल है। देखो द सेल्स इसके अंदर क्या है, एंड इसके अंदर जो सेल्स है, द सेल्स ऑफ डिफरेंट लेयर, अलग अलग लेयर की जो सेल है, ऑफ डिफरेंट लेयर्स आर डिफरेंट होती है, अलग अलग लेयर्स की सेल्स है वो डिफरेंट होती है। अब देखो किस तरह का अरेंजमेंट यहां पर होता है, मैं आपको बताता हूं। देखो जो डीपर होती है, यानी कि जो बेसल सेल होती है, डीपर लेयर्स जो होती है, यानी कि इनर लेस, इनर मोस्ट, डीपर का मतलब है इनर मोस्ट, इनर मोस्ट लेयर्स जो होती है, यानी कि ये जैसे बॉडी कैविटी है, ये सरफेस पे ज्यादा होता है, ठीक है, ये स्किन है इसकी। तो यहां पे जो सेल्स होती हैं, ये डीपर है, उसके ऊपर लेयर्स हो रहेंगे, जो सबसे आउटर लेयर आएगी वो एक्सटर्नल लेयर होगी, ठीक है। तो यहां पर क्या है, जो डीपर लेयर है, इनर मोस्ट, यहां पे नोट मत करना, क्योंकि इनर मोस्ट का जब आप अभी आप तो आप समझ रहे हो, जब आप मतलब निकालोगे तो उसको इंटरनल पार्ट की इनर मोस्ट ले लोगे, तो यानी कि वो सबसे बाहर वाली हो जाएगी अपने आप, ठीक है। तो इट इज द डीपर लेयर जो बनी होती है वो किसकी बनी होती है, क्यूबॉइडल टिश्यू की बनी होती है, यानी कि क्यूबॉइडल सेल होती है। बट जो सरफेस पे होती है, सरफेस लेयर्स, ये क्या होती है कि जैसे कि ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इसके अंदर क्या है, यहां पर क्यूबॉइडल होती है, लाइक दिस क्यूब लाइक सेल्स होती हैं, तो क्यूबॉइडल सेल्स होती हैं, लेकिन सरफेस पे आके ये क्या हो जाती हैं, फ्लैट सेल्स हो जाती हैं। सरफेस पे आके क्या होती हैं, ये बहुत सारी लेयर्स होती है क्यूबॉइडल की, उसके बाद में जो सरफेस पे है वो क्या है, फ्लैट सेल है, और फ्लैट का मतलब क्या हो गया, यहां पर स्क्वेमस एपिथीलियम है, वो स्क्वेमस एपिथीलियम बन जाता है सरफेस पर आकर। तो सरफेस पे आके क्या होती है, फ्लैट सेल्स होती हैं। अब ये फ्लैट सेल्स हैं, इनके अंदर क्या होता है, यहां पर डिपोजिशन ऑफ केराटिन हो जाता है, यहां पर क्या होता है, दीज द स्क्वेमस एपिथीलियम ऑन द सरफेस, सरफेस के ऊपर जो स्क्वेमस एपिथीलियम है, स्क्वेमस क्यों लिखा, क्योंकि फ्लैट सेल, और फ्लैट सेल को हम स्क्वेमस एपिथीलियम बोलते हैं, ठीक है। स्क्वेमस एपिथीलियम ऑन द सरफेस
contain केराटिन, केराटिन उसके अंदर होता है, ठीक है। तो केराटिन की वजह से एंड बिकम डेड हो जाता है। तो यानी कि ये जो सरफेस वाला टिश्यू है ये क्या होता है, केराटिनाइज्ड होता है, केराटिनाइज्ड, ठीक है, केराटिनाइज्ड होता है एंड डेड होता है। अगर ये डेड होता है तो ये क्या है, इट prevent any entry, कोई किसी भी तरह की एंट्री ऑफ माइक्रोब्स को प्रिवेंट करेगा, ठीक है, और मैकेनिकल इंजरी से ये प्रोटेक्ट करेगा। अब ये होता कहां पर है, मोस्ट कॉमन जो है ये कहां होता है, स्किन के अंदर होता है, हमारी जो स्किन है वो इस तरह की होती है, ठीक है। स्किन के ऊपर वाला जो आउटर सरफेस है स्किन की, वो इस तरह से बनी होती है, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम से बनी होती है, ठीक है। तो अब देखो जो स्किन का जो बाहर वाला सरफेस है वहां पे फ्लैट सेल्स होती हैं स्क्वैमस एपिथेलियम की, वो डेड होती हैं, डेड सेल्स हो जाती हैं वो, क्योंकि हमें पता है कई बार हमारी जो स्किन है वो जस्ट स्किन उतरती है, बहुत कम चोट लगती है, स्किन उतरती है जस्ट, तो हमें किसी भी तरह का कोई पेन नहीं फील होता, क्यों, क्योंकि ये डेड सेल्स होती हैं, केराटिनाइज्ड होती हैं, ठीक है। केराटिन की डिपोजिशन की वजह से इनके अंदर क्या होता है, डेड सेल्स हो जाती हैं, ये स्क्वैमस एपिथेलियम है, तो स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। अगर स्किन के नीचे हम देखें इन स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम के सरफेस के नीचे, तो हमें क्यूबॉइडल सेल्स मिलेंगी, ठीक है। तो ये सारा का सारा किसका हिस्सा है, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम का पार्ट है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम क्यूबॉइडल एंड कोलुमनर सेल्स के बारे में भी पढ़ेंगे कि क्या उनका फंक्शन होता है, कहां पर उनकी लोकेशन होती है एंड किस तरह की सेल्स वो होती है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर कर दें। थैंक यू।